कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगा दिया है और कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि दोनों थाना क्षेत्रों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था। इसके बाद डीएम के संस्तुति से दोनों क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। इसके बाद लोगों का स्वास्थ्य जांच कराया जा सके और समय रहते उनका उचित इलाज कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, लॉकडाउन लगाया क्या? और थाना शाहपुर और थाना गोरखनाथ दो थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया है। केसेस आप देखते हैं, संक्रमित व्यक्तियों के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं शहर में, तो हमने पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया। उसके साथ साथ हमने गोरखनाथ और शाहपुर में पिछले कोतवाली सर्किल की तर्ज पर ही यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की अनुशंसा डीएम सर को की थी और डीएम सर ने इसको लॉकडाउन लागू किया। शाहपुर में कल भी हमने कैंप लगा के वहाँ पर पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में सभी प्राइमरी सोर्सेज कॉन्टैक्ट का हमने सैंपलिंग कराया और कल भी हम वहाँ पे कैंप लगा कराएंगे। गोरखनाथ थाने में हमायूपुर में हमने 3 दिन से लगातार कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे भी हमने लगभग 20-25 लोगों को, पॉजिटिव लोगों को अलग कराया है। तो हमारा पूरा टारगेट ये है कि जितने भी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में लोग आए हैं उनको कॉन्टैक्ट को पकड़ के उनको टेस्ट करा के उनको आइसोलेट कर दिया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस पूरे संक्रमण की जो चैन है उसको हम तोड़ सकें। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस होने का यहाँ पे जो हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा केसेस निकलने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिकली प्रोफेशनल तरीके से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। कहाँ पे किस शहर के किस एरिया में कितने पॉजिटिव व्यक्ति हैं और कौन कौन उसके संपर्क में आया है, उन व्यक्तियों को पकड़ के सबको हम सैंपल टेस्ट करा रहे हैं और उनको आइसोलेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा केसेस इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि सैंपल ज़्यादा हो रहे हैं और पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी बहुत ही अच्छी है, टीम बहुत पूरी डेडिकेटेड 24 घंटे लगी हुई है। बहुत जल्द ही हम इस संक्रमण को तोड़ पाएंगे।